ये सिकंदराबाद की स्पेशल पाव भाजी है, ये आपको मुंबई में भी नहीं मिलेगी, इतनी स्पेशल पाव भाजी है। कमाल का लग रहा है, एक तो भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा। ओहो, वो चीज़ पुर। वाओ। हैदराबाद सीरीज के इस एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग पाव भाजी, एक ऐसा पिज्जा जिसने हैदराबाद वालों का दिल जीत रखा है, और एक ऐसी आइसक्रीम की शॉप जिसके बिना हैदराबाद का ना मीठा पूरा होता नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और वेजी भाजी को सब्सक्राइब जरूर करना अच्छे वेजिटेरियन खाने के लिए। ये पाव अलग से फ्राई होता है, भाजी अलग से आता है। पाव को बटर में सेकोगे? हाँ, इधर ही तवे पे पाव को बटर में सेकेंगे। अच्छा, ऐसे साबुत पाव नहीं मिलता। सिकंदराबाद का बलवंत पाव भाजी, कटिंग वाली पाव इसको बोले कटिंग पाव भाजी। ये पूरा सब्जी है इसमें आता पूरा। अच्छा, वो भाजी का जैसे जैसे खत्म होता रहता है बनते रहता है होगा? कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं, कंटिन्यूसली लाइव है हमारा। अच्छा, बीन्स और मटर और सारी चीज़ें। ठीक ठीक, प्लेन पाव भाजी कर दीजिएगा। ये जैसे बॉइल्ड वेजीज, इसके प्रीमिक्स में गया और ये पानी के साथ उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो रही है, उसके बाद तड़का लगेगा, फिर ये पाव अलग से सेके जाएंगे एंड फिर उसके बाद सर्व कर देंगे अलग अलग तरीके से। डिफरेंट थिंग। क्या नाम है दोस्त आपका? जितेंद्र। जितेंद्र भाई, तो ये पाव भाजी को स्पेशल बनाता है ये चीज़, ये सिकंदराबाद की स्पेशल पाव भाजी है, ये आपको मुंबई में भी नहीं मिलेगी, इतनी स्पेशल पाव भाजी है। जैसे वो आजकल रेस्टोरेंट्स में आया है ना, चीज़ फोंड्यू, पाव भाजी फोंड्यू, वो छोटे छोटे पीसेस डाल के वैसे लंबी सी स्टिक्स में डाल के आपको देते हैं, डिप करके खाओ। ये बहुत टाइम से वही चीज़ कर रहे हैं हमारे फादर। हमारे साथ आइडिया आया। हाँ, हमारे फादर स्टार्टिंग से ऐसे देते हैं। अच्छा, ये मसाला वगैरह सारा है। थोड़ा ईजी रहता है ना खाना, सबके ऐसे ऐसे पीसेस पड़े हुए हैं, एक एक करके खा लो। क्या क्या डालते हैं इसमें? नमक, पाव भाजी मसाला, धनिया, मिर्ची, नमक। अच्छा, तो बटर पड़ा, गार्लिक पेस्ट पड़ा, बाकी फिर पाव भाजी मसाला और बाकी सारी चीज़ें। वो बटर इसमें डाल रहे ताकि वो सारा मसाला अब्जॉर्ब कर ले और फ्लेवरफुल हो जाएगा। सॉफ्ट सॉफ्ट पाव भाई, ये मतलब ये शॉट ही कितना कमाल का आ रहा है ना, सो ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट। ये पाव अलग से बनवाते आप? हाँ, ये हमारा बेकरी का ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मोर देन द भाजी पाव का ज़्यादा, ऐसी पाव भाजी मैंने कभी नहीं देखी। आपने देखी है कॉमेंट्स में बताइएगा। ये परफेक्ट टाइम है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेजी भाजी ऐसे बेहतरीन जायके दिखाते हैं आपको अलग अलग शहरों के। ब्यूटीफुल, ये मसाला आया कंटिन्यू, मसाला पानी डालते रहेगा। ये ऐसे जब तक नहीं, मज़ा नहीं आता पाव भाजी में ना। और बटर का स्लैब, क्या स्लैब ऑफ बटर, मोर बटर देन मसाले, पाव भाजी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये रॉ मटेरियल पूरा रेडी करके रखना पड़ता है। पाव भाजी लग के तैयार है, आइए लेट्स सी, टाइम टू ट्राई दिस ब्यूटीफुल पाव भाजी। फ्लेवर ना, इट्स सो फुलफिलिंग ना, पाव भाजी मिल जाए खाने वाली चीज एकदम है ना, और वो एकदम बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, क्या बात क्या है ना, मतलब ऐसे पाव निकाला भाजी से लपेटा। हाँ भाई, पाव में आप पीसेस तोड़ते हो ना, इसमें पास में आके देखो, बाइट साइज पीसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, बहुत कमाल के लग रहे हैं। मैं तो इसको फुल थम्स अप दूंगा। सिकंदराबाद में आओ कभी भी, आके पाव भाजी खाइएगा। बाकी और जो सारी चीज़ें, फुली वेजी भाजी अप्रूव्ड है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, तो ये आपको कैसे आइडिया आया मतलब इसको बनाने का? तब तो सब ऐसी साबुत पाव, अभी भी सब साबुत पाव देते हैं हमारे, स्टार्टिंग से ऐसी है। अच्छा, जस्ट ऐसे ही? ऐसा ही पहले से। जितेंद्र भाई से पूछा, वो कहते हैं पापा स्टार्टिंग से ऐसी बनाते हैं। तब से आपकी ये पहचान बन गई है ये पाव भाजी? 85 भाई, स्टार्टिंग हमारे पास से स्टार्ट हुई से कटिंग। कितना टाइम हो गया इसको? 85 से स्टार्ट हुआ था। बहुत सही, मैंने पाव भाजी खाया, बहुत टेस्टी थी। अब तो वो आराम से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब उनके बेटे चला रहे हैं दुकान। That is the beauty of life. Next generation चलाई जा रही है। दोनों भाई बड़ा छोटे भाई, अब ये सुपरवाइज करते हैं बस। ग्रेट, थम्स अप। चलिए अब चलते हैं किसी और जगह पे, कुछ और बेहतरीन खाना खाते हैं। बेस के ऊपर जो है हम सॉस डालेंगे। तो ये आपका होममेड सॉस रहता है? हाँ, ये हमारा। कौन सा पिज्जा लगा रहे हैं अभी? ये देसी मसाला बनाएंगे हम। देसी मसाला? हाँ, देसी मसाला विथ पनीर। पनीर वाला? हाँ, पनीर। बढ़िया बढ़िया, लगाइए लगाइए। फिर हम इसमें ऑनियन डालेंगे।
देसी तरीके से पूरा बनेगा। हाँ, पूरा देसी के तरह से बनेगा। फिर इसमें जो है बेल पेपर्स, कैप्सिकम डालेंगे। तो ये कितने टाइम से है ये? कितने हम प्रोसेस व्हाइट चीज 20 इयर्स प्रोसेस, मतलब हैदराबाद की काफी मानी जगह है फॉर पिज्जास। ओ भाई साहब, शेडर चीज डालेंगे पहले, प्रोसेस डाला शेडर चला, पहले प्रोसेस चीज डाला फिर शेडर चीज डाला। मतलब पिज्जा में अगर चीज ना डले ना तो मतलब वो पिज्जा का मजा थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा अच्छा कर लेंगे ताकि जो है एक्स्ट्रा चीज मशीन के अंदर ना जाए। हाँ, कोटेड पिज्जा बनेगा। अब इसमें तीन टाइप का चीज डलेगा, आप पूछोगे तीसरा कौन सा चीज डलेगा, अब फिर कॉटेज चीज पनीर। हाँ, पनीर डालेंगे, पनीर डालेंगे, पनीर के बाद फिर इसमें देसी मसाला डालेंगे। हाँ, देसी मसाला डालेंगे, एकदम देसी तरीके से बनाएंगे, अंदाज से। हाँ, एकदम देसी तरह। तो इसमें ओरिगैनो वगैरह नहीं पड़ेगा, इसमें देसी मसाले, ओरिगैनो वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ये गरम मसाला रहेगा, ये हमारा देसी मसाला है। हाँ, ये आपका सीक्रेट मसाला, हमारा सीक्रेट मसाला। फिर इसको हम ओवन में छोड़ देंगे, ओवन में डालेंगे। ग्रेट, ये 5 मिनट्स में आपका पिज्जा तैयार हो जाएगा। ये पिज्जा डेन का बढ़िया पिज्जा तैयार हो जाएगा। ये असेंबली डाल, पिज्जा डेन को कितना टाइम हो गया? 20 इयर्स हो गया। तो मतलब पिज्जा जो है, लाइक हैदराबादी पिज्जा के बारे में अगर कोई सोचे तो पिज्जा डेन दिमाग में आता है। हाँ, तो काफी टाइम से है। हाँ, तो आपका सबसे पॉपुलर पिज्जा कौन सा है? जो देसी मसाला था। देसी मसाला जो अभी हम लोगों ने अपना लगवाया। हाँ, वो पनीर वाला। हाँ, एकदम लोडेड रहता है। हाँ, सॉफ्टी भी अपना। हाँ, पूरा क्रीम आइसक्रीम बनाते हैं हम? खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं विद रियल मिल्क। अच्छा, एंड शुगर, पूरा फुल क्रीम मिल्क वगैरह लेके। तो ये एरिया कौन सा पड़ता है? ये पैराडाइज, पीजी रोड, सिकंदराबाद। पीजी रोड सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, पिज्जा निकलवाते हैं अपना, टेस्ट करते हैं। एनी पिज्जा यू टेक इट्स 180। अच्छा, फ्लैट 180। तो ये देसी वाले पिज्जा पे ये मसाला डालने का क्या? इट्स आवर ओन रेसिपी, वी हैव ट्राइड एंड वी हैव इन्वेंटेड। मतलब मैंने पिज्जा पे फर्स्ट टाइम ऐसे मसाला इंडियनाइज स्टाइल में देखा, देसी है। दैट्स द मोस्ट पॉपुलर पिज्जा इन। आपको आईडिया आया कैसे? ये स्टार्टिंग जैसे करा जिन्होंने? या, आई माईसेल्फ स्टार्टेड। ओ अच्छा, आपने स्टार्ट किया। योर गुड नेम सर? माय नेम इज प्रीतेश। प्रीतेश, या। तो ये हाउ डिड यू कम अबाउट दिस आइडिया कि मैं मसाले पिज्जा डालूंगा? मतलब आपके पास मसाले थे, आपके पास पिज्जा था, और एकदम लाइट बल्ब क्लिक हुआ? या, our Hyderabadi clientele, they like something very spicy. Haan, we have a spicy pizza called Mexican pizza in which we put the guntur chili flakes. Guntur so very flakes. Spicy. Okay. So somebody liked it moderately and with a little bit of Indian flavor. Okay. So we had made this desi masala. Desi masala. Yeah. It's so our own combination cater of masala. Everyone. Yeah. Okay. So that has become more popular. With all this paneer chunks and all desi masala pizza, I can't wait to have this paneer opi. Chalo aaj bol deta hu, majboori mein bol deta hu. Conveyor belt ki pata kya khas baat hoti hai? Isme pizza jalte nahi hai. Oven mein kya hota hai, thoda temperature zyada hota hai. Isme pura ek kone se dusre kone tak mein time fix hota hai. To pizza hamesha properly utna hi cook hoke aayenge jitna necessary hota hai. Pizza cutting opi. ग्रेट, वी टेक दिस पिज्जा टू आर व्हीकल एंड ईट। टेक अवे पिज्जा आ गया है हमारे व्हीकल पे, एकदम बढ़िया। ओ भाई, लोडेड देसी मसाला स्टाइल में। इसके अंदर जो खुशबू आ रही है ना, ब्यूटीफुल, कमाल का लग रहा है। एक तो भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा। आइए टेस्ट करते हैं इसको। वो बोल रहा था ना, जिसके पास कन्वेयर बेल्ट होते हैं ना, उसका पिज्जा कभी जल नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने ना टाइम सेट कर रखा था। नीचे से बेस एकदम क्रिस्पी, ऊपर से जो मसाला डाल रखा ना, एकदम इंडियनाइज वाला फ्लेवर आ रहा है, ब्यूटीफुल बेस, एकदम क्रंच और क्रंच सुनना। आई थिंक सारी जो मज़ा है ना, द रीज़न वाई दिस इज़ सो फेमस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मसाला। मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा कि मसाला और पिज़्ज़ा एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। एंड पिज़्ज़ा, इतने वियर्ड वियर्ड पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर पिज़्ज़ा तक हम लोगों ने खाया है, पर इंडियनाइज्ड मसाला वाला पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। इट्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। को ख़त्म करते हैं और एक इनकी सॉफ्टी लेते हैं, और उसके बाद फिर दिन बन जाएगा। सो दिस इज़ अ फ्रूट एंड नट सॉफ्टी, हैज फ्रूट्स, फ्रूट सिरप। अच्छा, नेचुरल ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। अच्छा, देन यू लेयर इट लाइक अ फलूदा। हाँ, लाइक अ संडे। हाँ, काफी रस्टिक सा वाइब है ना इसका। ग्रेट, रोस्टेड कैशनट्स।
दैट्स रेडी। ये आ गई द फेमस फ्रूट एंड नट सॉफ्टी। इसका बड़ा बोल आ जाता ना तो उसके साथ नीचे मेरे को बता रहे हैं कि एगलेस केक भी आ जाता है, तो वो एक और क्रेजी चीज़ हो जाती है, वो संडे बन जाता है। चम्मच इसमें तीन इसलिए लगे हुए क्योंकि खाने वाले लोग तीन हैं, आपको कैमरे पे खाने वाला एक बंदा दिखता है, उसके बाद फिर बिहाइंड द सीन सीटिंग होती है ट्रैवलिंग बाजी डेली ब्लॉग। पेट जितना मर्जी भराओ, मीठे के लिए जगह पेट में हमेशा निकल आती है, और मीठा अगर ऐसा होना एकदम जो रोस्टेड काजू का एकदम हल्का हल्का सॉल्टी ओजिंग आउट, एवरीथिंग इज जस्ट ओजिंग आउट, और ये जो सॉफ्टी है ना ये फ्रेश बनाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, तो उसका जो रिचनेस है ना। वेदर तो फेयर हो रहे हैं, इससे कैमरे में दिख रहे हैं फ्रेम में, फिर बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। एक बढ़िया सा पिज्ज़ा, बढ़िया सी सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे मौसम के साथ दिन बन जाता है ना, अभी तो रात बन गई हमारी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, काजू ले रहे थे, मुझे काजू बहुत पसंद है। मिलते हैं किसी और जगह पे, कुछ और बेहतरीन खाते। सेम थिंग इन चॉकलेट, अच्छा ओके ओके लाइक यू गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये वो वाली चीज़ें हैं जो ट्रैवलिंग बाजी डेली व्लॉग्स पे आती है। एक बार मैं इसका डेली व्लॉग का भी सामान ले लूँ ना, क्या आते हैं दो मिनट में आते हैं। इसके नीचे ना ये वो जो आपको बता रहा था ना नीचे केक है इसके, अमेजिंग यार। हमारी टिट बनने का राज ये नहीं है कि हम जो खाना खाते हैं, हमारी टिट बनने का लास्ट राज जो है ना लोगों का प्यार है। आए थे खाने पिज्ज़ा, दिख गया सॉफ्ट सॉफ्ट, ले लिया सॉफ्ट सॉफ्ट, पसंद आया तो यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने बोला कि यार दो और ट्राई कराते हैं, दो और ट्राई कर लिए, अब वो भी पसंद आ गए, अब पसंद आ गए तो पूरे खाने पड़ेंगे, तो पूरे मोटे हो जाएंगे साहब। गेम समझे सारा गेम ये है, बढ़िया टेस्टी भी है, रुका नहीं जाता, क्या करें। अब कन्फ्यूजन ये है कि बाबू भैया पहले इसको ख़त्म करें या उसको ख़त्म करें, क्योंकि ख़त्म ज़रूर करने हैं। वीडियो बंद कर देते ना बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी पर्सनल चीज़ें रहना। क्या बना रहे हैं अभी? विली वंका बना रहे हैं सर हम लोग। विली वंका क्या होता है? चॉकलेट आइसक्रीम का रहेगा आपको, चॉकलेट आइसक्रीम रहेगा ये आपको, इसमें आ गई चॉकलेट आइसक्रीम, ओके टू स्कूप्स आएगा, ये बन रहा है विली वंका। विली वंका सर, और इसमें आपको चॉकलेट पेस्ट्री आएगी, अच्छा एक क्वांटिटी। ये सब एगलेस रहेगा? जी सर, प्योर वेज रहेगा सर, प्योर वेज रहेगा जी सर। ये हो गए चॉकलेट पेस्ट्री आपको, और ये हो गए थोड़ा सा चॉको चिप्स। अच्छा तो ये एक बार, ये चॉकलेट पेस्ट्री है, वो चॉकलेट ब्राउनी है? जी सर, ये वाला ब्राउनी है, हाँ। वो रेड वेलवेट ब्राउनी है, वो ऑरेंज ब्राउनी है। अच्छा जी सर, ये सारी टॉपिंग्स है ऊपर? जी सर, ये हो गए चॉको स्टिक्स आपको, और चॉको स्टिक्स, चॉको चिप्स, चॉको स्टिक्स जी सर, और ये होगा चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस जी सर, ओके तो लोडेड बनने वाला है ये काफी जी सर। हाँ सर, और इसको हम लोग ना मिक्स करते हैं, क्रिएशन बनता है ये, जैसे कि आप मिक्स एंड फोल्ड जी सर, ये हो गया आपका विली वंका। कब जाना? ये हो गया, इसमें हम आपको वाफल कप में सर्व करते हैं विली वंका ये जी सर, और इसका ये क्या प्राइस है? चॉको स्टिक है, और ये होगा विली वंका रेडी। ओके इसका क्या प्राइस है? 184 सर, 184 आपको, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो हम चॉको चिप्स भी डाल देंगे। अच्छा, और कुछ वो जो आपको एड ऑन टॉपिंग चाहिए ये इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा आपको उसके लिए। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, हम कैमरा साहब को खिलाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देंगे। ब्यूटीफुल, ये विली वंका है जी सर, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर। ब्यूटी चॉकलेट आइसक्रीम, इन चॉकलेट आइसक्रीम यस सर। टोटल कितने फ्लेवर हैं आपके पास? नटी कॉन्सेप्ट सर, अच्छा ये है चॉकलेट कॉन्सेप्ट, अच्छा ये जस्ट गो नट्स है, नट्स में मिल जाएगा आपको, ये फ्रूट बेस्ड है, ये चॉकलेट बेस्ड है, ये नटी बेस्ड है, ये ब्राउनी बेस्ड, ये अपने को हॉट में आएगा सर। और ये सारे के सारे वैसे ही बनेंगे? हाँ सर, सारे के सारे ऐसे बनेंगे, मिक्स एंड फोल्ड, मिक्स एंड फोल्ड, मिक्स एंड फोल्ड रहेंगे, संडे रहेगा, संडे रहेगा, हाँ वो मिक्सिंग में नहीं आएंगे आपको। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच इन हैदराबाद सर। ओके, यानी काफी लेट नाइट तक ओपन रहता है? हाँ 2 o'clock तक रहेगा सर। क्रीमस्टोन इज लाइक, जैसे आपके इंटरनेशनल काफी चॉकलेट के आइसक्रीम के ब्रांड्स है ना, क्रीमस्टोन इज लाइक अ हैदराबादी थिंग ऑफ आइसक्रीम। जब हैदराबाद के लोग आइसक्रीम के बारे में सोचते हैं ना तो उनके दिमाग में रात के 2 बजे ये घंटा। बिल्कुल सर। और ये आउटलेट कौन सा? ये बंजारा केवीआर पार्क रोड नंबर 2, बंजारा केवीआर पार्क रोड नंबर 2। ओके गाइस, लेट्स हैव अ टेस्टर ऑफ दिस विली वोंका, एकदम लोडेड चॉकलेट सरप्राइज। मैं सोच रहा था, मैंने सरप्राइज भी बोला क्योंकि इसमें तो सब रिवील हो गया, बट सरप्राइज आपके मुंह में जाकर होता है, एकदम बढ़िया फ्लेवर्स का बर्स्ट होता है ना, ब्यूटीफुल।
और वो चॉप एंड फोल्ड से ना वो जो सारी चीज़ें इन्होंने डाल रखी थी, केक बेस डाला, ब्राउनी डाली, जो और चोको चिप्स डाली, काफ़ी सारी जो चीज़ें डाली हैं वो सब मिक्स हो गए, एक देखो दरदरा सा टेक्सचर बन गया एकदम। आपको ये देखने में काफ़ी नॉर्मल सी लग रही होगी बट ये एक इमोशन है हैदराबादी के लिए। आप किसी हैदराबाद के बंदे से बात करोगे ना बोलेगा भाई क्रीम स्टोन ये चीज़ होती है, मतलब जैसे एक होते हैं ना इंडिजीनियस ब्रांड्स लोकल ब्रांड्स। नाइस, ये दो हैदराबाद के लोग हैं बोले ना भाई आपने क्रीम स्टोन नहीं कवर किया ना मज़ा नहीं आएगा थोड़ा। ये हैदराबाद की किराक आइसक्रीम किराक सही है, इसको ख़त्म करते हैं आगे चलते हैं, वीडियो को भी ख़त्म करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करियो ना करियो ना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, एकदम किराक वीडियो बनी है। किराक मतलब तेलुगु मतलब बिंदास बिंदास। चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया खाना आते रहता है। चॉप एंड फोल्ड चॉप एंड फोल्ड चॉप एंड फोल्ड बाय।